The question is, find x if 8 by 3 raised to power 2x plus 1 into 8 by 3 raised to power 5 is equal to 8 by 3 raised to power x plus 2. तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 8 by 3 raised to power 2x plus 1 into 8 by 3 raised to power 5 is equals to 8 by 3 raised to power x plus 2. तो सबसे पहले हमारे पास हमें देखना है कि जो ये बेसिस है ये सेम है या नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास जो सभी बेसिस हैं वो सेम दे रखे हैं, ठीक है. तो अब हमारा रूल क्या होता है कि अगर a रेस टू पावर m इंटू b रेस a रेस टू पावर n हो, बेस सेम है, पावर अगर डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जो पावर है वो ऐड हो जाती है, राइट. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यही होगा कि जो 8 बाई 3 है उसकी पावर को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे. तो पहले हमारे पास वैल्यू है 2x plus 1 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 5, तो दोनों पावर्स होगी हमारे पास यहाँ पर ऐड. और राइट हैंड साइड पे जो 8 बाई 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 है वो एज इट इज रहेगा. तो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 बाई 3 रेज टू पावर 2x, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और यहाँ है 8 बाई 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 2. अब हमारे पास नेक्स्ट जो लॉ हमें यूज करना है वो क्या है कि a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n अगर हो, तो यहाँ पर जो पावर्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि अगर बेस सेम है, इक्वल में है, पावर डिफरेंट है, तो दिस इम्प्लाइज जो पावर है वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए. अगर सेम होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो बेस है 8 बाई 3, 8 बाई 3 वो दोनों तरफ सेम है, तो जो पावर्स हैं इसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगी. 2x plus 6 is equal to x plus 2. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x minus x, 2 minus 6. That is equal to x is equal to minus 4. तो इसके अकॉर्डिंग जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 4. इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. और जो ये लॉ है यहाँ पर आप मेंशन करना ना भूलें, जिस स्टेप में हम जो लॉ यूज कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर मेंशन जरूर करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे इसमें. तो यही हमारा आंसर है. थैंक यू.